नमस्कार, मैं तन्मय शाहजो है। मैं इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का हिंदी कक्षा के एक छात्र हूँ। मैं 2018 से हिंदी अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इसलिए बहुत ही आभारी हूँ भारतीय उच्चायुक्त का एवं इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। मैं और भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा मेरे पूज्य गुरुजी योगेश वशिष्ठ जी, उनके पास ही मैंने 2 साल से हिंदी सीखा है। आज भारत का हिंदी दिवस है जो राष्ट्रभाषा दिवस के नाम से मनाया जाते हैं। इस उपलक्ष में मैं आज हिंदी में कुछ बोलने जा रहा हूँ। मैं आज हमारे कवि गुरु गुरुदेव विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे एशिया में पहले एक कवि है जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार लाभ किया है। सन 1913 में उन्होंने उनकी काव्य ग्रंथ गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाया था। भारत और बांग्लादेश की मित्रता का बात हम जब भी करते हैं, तब जिन लोगों के नाम पहले आते हैं उनमें से एक है कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम देखें तो बांग्लादेश और भारत दोनों के ही राष्ट्रगीत का रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर सन 1861 में कोलकाता के ठाकुर परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं। उन्होंने उनके जीवन में काव्य की लगभग सारे धाराओं में उनका छाप रखा है। उनका जो गाना कविता है वो भारत के स्वाधिकार आंदोलन में प्रेरणा तो दी है, साथ ही साथ सन 1971 में जब बांग्लादेश के लोगों ने मुक्ति के लिए संग्राम किया था तब भी उनके कविता और गाने ने प्रेरणा दिया हमारे मुक्ति योद्धा भाई बहनों को। इसके अलावा भी उनके जो पूर्वज थे एवं उन्होंने भी बांग्लादेश एवं भारत की पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में रहे। ये सब इलाका अभी उनके बहुत सारे केंद्रों जैसे कि एक विश्व भारती है, रविंद्र भारती, और बांग्लादेश में भी एक पुटीबाड़ी है। ऐसे बहुत सारी जगह पर उनकी स्थिति अभी भी हम देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे एक इंसान थे जो लगभग सारे लोगों के बहुत पूज्य थे। उनके जो गाने थे लगभग 2000 गाने उन्होंने लिखे, 1915 गाने उन्होंने लिखा था। ये सब गाने में जैसे मधुर सुर भी है, प्रेम की कथा भी है, उसकी तरह भी यहाँ पर विरह की बात भी होता है। उसके अलावा भी हम देखते हैं छोटे बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे छोटे गल्प और कविता भी लिखा है। उनका पिता भी देवेंद्रनाथ टैगोर एवं उनका पितामह प्रिंस तारकनाथ जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे ठाकुर परिवार के। उनके पूरे परिवार के लोगों ने साहित्य के विभिन्न दिशाओं में उल्लेखनीय अवदान रखा है। सन 1941 में उनका देहांत हुआ और उसके बाद भी उनका जो साहित्य कर्म है उनके द्वारा वो अभी भी हमारे साथ जीवित है। अभी भी वो हमें उनके कविता और गानों की द्वारा हमें प्रेरणा देती रही है। मैं इस बात पे यह खत्म करना चाहूंगा।